Good morning, student. Today is our maths period and we are going to start exercise 5.2. So, बच्चों, exercise 5.2 में हमें factor tree जो number दिए हैं, उनके factor tree के द्वारा factors निकालने हैं. So, बच्चों, सबसे पहले आज हम क्या सीखेंगे? Factor tree किस तरह से बनाते हैं? Okay, बच्चों, इसके लिए हमने एक example लिया है, 12 number लिया है. तो चलिए अब हम 12 number के factor tree द्वारा फैक्टर्स कैसे निकालते हैं सबसे पहले ये सीखेंगे. सो बच्चों, सबसे छोटे नंबर से सबसे छोटा ऐसा कौन सा नंबर है जिससे 12 पूरी तरह से डिवाइड होता है? तो हम सबसे छोटा नंबर पहले 2 लेंगे. 2 से देखिए बच्चों, 2 सिक्स 12. ओके, अब इस 6 के फिर से हम फैक्टर्स निकालेंगे. 2 थ्री 6. ओके बच्चों, है ना, इस तरह से ये हमारे 12 के फैक्टर्स बन गए हैं, है ना, निकल गए. अब इस 2 को हम फिर से यहाँ नीचे लाएंगे तो देखिए 3 टू जा 6, 6 टू जा 12. ओके बच्चों, समझ में आया? इस तरह से आपको फैक्टर ट्री बनाना है. ओके, तो चलिए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. तो चलिए बच्चों, एक्सरसाइज 5.2 का ए नंबर के क्वेश्चन का, ए और बी नंबर का क्वेश्चन हम ब्लैक बोर्ड पे सॉल्व करते हैं. तो ए नंबर पे 24 नंबर है. सो बच्चों, ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे 24 पूरी तरह से डिवाइड होता है? बच्चों, 2 से अगर हम 24 को डिवाइड करेंगे तो 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, है ना. देखिए 12 टू जा 24. ओके स्टूडेंट, अब इस 12 को हम 12 के हम फिर से फैक्टर निकालेंगे. 2 सिक्स जा 12, है ना. अब देखिए 2 सिक्स जा 12, है ना. अब इस 6 के फिर से फैक्टर्स निकालेंगे. 2 थ्री जा 6. ओके स्टूडेंट, सो देखिए 3 टू जा 6, 6 टू जा 12, 12 टू जा 24. ओके बच्चों, समझ में आ गया? इस तरह से आपको फैक्टर ट्री बनाना है और ये 24 के फैक्टर्स निकल गए. अब बी नंबर का क्वेश्चन है 15. तो चलिए 15 के फैक्टर्स निकालेंगे. सबसे छोटा नंबर 2 है, लेकिन बच्चों 2 से 15 पूरी तरह से डिवाइड होता है क्या? नहीं होता है. इसीलिए उससे बड़ा नंबर कौन सा है? फिर 3 लेंगे, है ना. 3 फाइव जा 15. ओके स्टूडेंट, 15 के 2 ही फैक्टर्स निकलते हैं बच्चों, इसके आगे फैक्टर्स नहीं निकलते. ओके बच्चों, आपको समझ में आ गया किस तरह से फैक्टर ट्री बनाना है? तो चलिए इसका होमवर्क मैं आपको समझाती हूँ. सो बच्चों, इस क्वेश्चन का हमारा होमवर्क है, हमने क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी नंबर का क्वेश्चन बोर्ड पे सॉल्व किया है. अब सी डी और ई, ये तीनों क्वेश्चन, मतलब ये पांचों क्वेश्चन आपको आपकी कॉपी में बहुत अच्छे से लिखना है, इन्हें सॉल्व करना है, इसकी पिक हमें ग्रुप में सेंड करना है. ओके बच्चों, तो चलिए हम सेकेंड नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. हमारा जो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन हम रीड करेंगे बच्चों, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. इस क्वेश्चन में दो दो नंबर दिए हैं बच्चों और इनके हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं. तो चलिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं हम बोर्ड पे समझते हैं. सो बच्चों, सेकेंड नंबर के क्वेश्चन का ए नंबर का क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिख लिया है. बच्चों, हमारे क्वेश्चन में 2 नंबर्स दिए हैं, 3 एंड 12. तो बच्चों, हमें क्या करना है, ये दोनों नंबर्स के फैक्टर्स को निकालना है और दोनों नंबर के जो फैक्टर्स हैं उनमें जो कॉमन फैक्टर्स हैं उन्हें आंसर में शो करना है. ओके बच्चों, तो चलिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, फैक्टर्स ऑफ, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम, फैक्टर्स ऑफ थ्री, है ना. तो 3 के फैक्टर्स 3 वन जा 3. ओके स्टूडेंट, बच्चों 3 प्राइम नंबर है, इसीलिए 3 के 2 ही फैक्टर्स निकलते हैं, 1 और नंबर इटसेल्फ. ओके बच्चों, है ना. अब हम 12 के फैक्टर्स निकालेंगे. फैक्टर्स ऑफ 12 1 मल्टीप्लाई 12 वन जा 12. ओके स्टूडेंट, उसके बाद बात का नंबर क्या लेंगे, 2 सिक्स जा 12. ओके, 3 के 3 टू जा
सॉरी बच्चों, 3 4 12, ओके। अब 5 के टेबल में 12 है क्या? सॉरी 4 के टेबल में 4 3 12, लेकिन ये दोनों नंबर हम ऊपर लिए हैं इसीलिए वो नंबर हम दोबारा नहीं लेंगे। 5 के टेबल में 12 है क्या बच्चों? नहीं है, है ना। फिर 6 2 12, तो ये दोनों नंबर ऊपर आए हैं इसीलिए हम दोबारा इन्हें नहीं लेंगे, ओके बच्चों। सो बच्चों यहाँ पे 12 के टेबल हमने 12 के फैक्टर्स हमने निकाल लिए है ना। सो फैक्टर्स ऑफ 3 फैक्टर्स ऑफ 3 आर 1 and 3, और फैक्टर्स ऑफ 12 आर, अब 12 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं बच्चों देखिए, 1 2 3 4 6 and 12, ओके। 1 2 3 4 and 4 6 and 12, ओके स्टूडेंट। अब इन दोनों के जो फैक्टर्स हैं इनमें से जो कॉमन फैक्टर है, जो सेम फैक्टर है, उन्हें हम क्या करेंगे? राउंड अप करेंगे। देखिए इस तरह से, अब नीचे आंसर में क्या लिखेंगे बच्चों? सो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 3 and 12 आर 1 and 3, ये हमारा आंसर है बच्चों, ओके। समझ में आ गया आपको? तो चलिए अब बी नंबर का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। हमारा जो बी नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, बी नंबर का क्वेश्चन में 7 और 8 नंबर, सो बच्चों बी नंबर में 7 और 8 नंबर दिए हैं। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन में हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 7, ओके। फैक्टर्स ऑफ 7 बच्चों, 7 क्या है? 7 भी प्राइम नंबर है इसीलिए 7 के भी 2 ही फैक्टर्स निकलते हैं, ओके बच्चों। 7 1 7, ओके। अब 8 के फैक्टर्स निकालेंगे, ओके। फैक्टर्स ऑफ 8 है ना, 8 1 8, ओके बच्चों। अब नेक्स्ट नंबर 2 4 8, अब 3 के टेबल में 8 है क्या? नहीं। 4 2 8, ये दोनों नंबर आए हैं इसलिए हम दोबारा नहीं लेंगे, है ना। 5 के टेबल में 8 है क्या? नहीं। 6 के टेबल में 8 है क्या बच्चों? नहीं है, ओके। सो यहाँ पे हमने 8 के फैक्टर्स निकाल लिए हैं। अब हम नीचे क्या, नीचे का स्टेप क्या है बच्चों? सो फैक्टर्स ऑफ 7 = 1 and 7, ओके बच्चों। अब फैक्टर्स ऑफ 8 = 1 2 4 and 8, है ना, 1 2 4 and 8, ओके बच्चों। अब इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर्स है उसे हम क्या करेंगे? राउंड अप करेंगे। देखिए 7 है क्या नीचे? नहीं है। सो आंसर में क्या लिखेंगे? कॉमन फैक्टर्स ऑफ 7 and 8 आर 1, ओके स्टूडेंट। ये हमारा आंसर है बच्चों। आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कॉमन फैक्टर्स निकालना। तो चलिए अब मैं आपको इसका होमवर्क समझाती हूँ बच्चों। हमने क्वेश्चन नंबर 2 का ए और बी नंबर का क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पे सॉल्व किया है
अब सी डी ई मतलब ए से लेके ई तक के पांचों क्वेश्चंस आपको आपकी कॉपी में बहुत अच्छे से लिखना है, उन्हें सॉल्व करना है और इसके पिक हमें ग्रुप में सेंड करना है। यहाँ पे हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। ओके, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट।